हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम खेत। आज हम लोग फिर से एक और बार खेत पे आए हैं और आज का हमारे साथ हुआ है एडवेंचर। एक हमारी गैस का जो रेगुलेटर था, स्टोव का रेगुलेटर वो वाला जो है वो लीक कर रहा था, तो हम लोगों को ध्यान आया कि हमारे पास में एक भट्टी पड़ी है और भट्टी हमने लगा दी है अब सिलेंडर में और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एंड मैं भट्टी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था इसको चलाते हुए भी, और जब मुझे पता चला गैस ही नहीं है तो मुझे ऐसा लगा मैं वापस अजमेर चला जाना चाहिए। बट मेरे हस्बैंड जो हैं थोड़े एडवेंचरस और ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इजीली मैनेज कर लेते हैं, पैनिक नहीं करते मेरी तरह, तो उन्होंने भट्टी ढूंढी लगाई जैसे आपको बताया। और अब मैं बना रही हूँ अपनी गर्मा गर्म टोस्ट, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट में थोड़े से एलिमेंट्स खा चुके हैं बट स्टिल यहाँ आए हैं खेत पे तो कुछ ना कुछ तो खाना बनता है ना, तो ब्रेड टोस्ट करके खाई जा रही है। ज़्यादा भाई ये चलाने में ना लोगों को डर बहुत लगता है क्योंकि इसमें हल्का सा भी अगर हाथ घूम जाए तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत जगह पे चाय वाले जहाँ पे यूज करते रहते हैं इसको, तो चाय वालों का भी यही सीन होता है, वो फटाफट बनाना होता है तो भट्टी यूज करते हैं, हल्का सा रेगुलेटर और खोलते हैं और चाय एकदम से। अभी का एक और अपडेट ये है कि यहाँ पे है भाई बहुत सारा कचरा और इस कचरे को साफ करेगा तुम्हारा भाई, तो अभी थोड़ी देर में अपन इसको साफ करेंगे, तुमको दिखा देंगे एक टाइम लैप्स छोटा सा। और धूप थोड़ी हो गई है बढ़िया, यहाँ पे आओ तो धूप में बैठने का अलग ही मज़ा है क्योंकि चारों तरफ ठंडे और धूप से जो गर्मी मिल रही है उससे बाहर बैठने का बहुत मज़ा आता है। उसके अलावा पेड़ पौधे बहुत ही सही है, अभी पेड़ पौधों में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, जो हमारे आंवले के पेड़ लगे हुए हैं, नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, सब कुछ एकदम सही है, ऑल गुड, नो वरीज, अभी सब कुछ सही चल रहा है। बीच बीच में बस ये जो कांटे हैं ना यहाँ के, मैंने बहुत बार बताया पहले भी कि बरूट होते हैं यहाँ पे खेत में, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो इनका कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। एक और काम करना है, अभी जो ऊपर भैया हैं वो लोग आए हैं प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन, गाड़ी में से एक तो लाइट लगवानी है, एक हैलोजन फ्यूज हो चुकी है वो लगवाएंगे, प्लस कल रात को ऊपर टंकी का एक वॉल्व टूट गया तो पूरी रात हमने बिना पानी के काम चलाया, टैंक में से बाल्टियाँ निकाल निकाल के काम चलाना पड़ा। और बाकी अभी एक ये हैलोजन लाइट है और ये हैलोजन लाइट है जो हम चेंज करा के लेके आए थे और इसका भी कनेक्शन करवाना है, ये भी लेके जाते हैं ऊपर भैया के पास में, वो लगाएंगे। इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर आ गए थे तो उनके साथ में थोड़ा काम पे लग गए थे और अभी वो काम चल रहा है, वो कुछ पार्ट लेने का पास वाले गांव में गए और तब तक अपन यहाँ पे अब ग्रीन टी इन्जॉय करेंगे। मस्त हो रही है ठंड, मस्त चल रही है हवा, ठंडी ठंडी, और बाहर धूप भी बहुत बढ़िया है तो आराम से बाहर बैठने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, आराम से यहाँ बैठे। अभी ये सफाई पूरी बाकी है, आधी हो रखी है, आधी करनी है वहाँ तक। तो फाइनली गार्डन की पूरी सफाई हो चुकी है, ऐसा कुछ दिख रहा है अब एकदम क्लीन। तो था ये अपडेट अभी का,
अब अपडेट ये है भाई कि जो प्लम्बर गए हुए हैं पास वाले गांव में, वो अभी तक आए नहीं है। उनसे कॉल करके पूछता हूँ कि कहाँ पे हो, कितनी देर में आओगे, क्योंकि वो आएंगे तभी हमारे पास पानी अवेलेबल होगा। ऊपर टंकी में पानी फुल है लेकिन नीचे नहीं आ पा रहा उस वॉल्व की वजह से। एक बार पानी आ जाए तो फिर बर्तन वर्तन भी धुलेंगे। अभी तक मैं बाल्टी से ऐसे मग से पानी डाल के प्रिया को बर्तन धुला रहा हूँ। गाँव में रहने के ये भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं कि अगर आप गाँव में रह रहे हो तो आपको सर्विस इमीडिएटली नहीं मिलती है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपका काम कर देंगे, जस्ट आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो आपका एक नहीं दो तीन चार काम कर देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है इन लोग को काम करने के लिए या कुछ भी लेने के लिए। नियरेस्ट गांव में अभी वो लोग गए हुए हैं, जैसे ही आते हैं उसके बाद मैं ठीक कराऊंगा। पानी आएगा, हम लोग बर्तन वर्तन धो पाएंगे। फिलहाल प्रिया नहा रही है, उसके बाद में हम लोग खाना खाते हैं, देन आपको बताते हैं। मस्त हवा चल रही है और हम यहाँ पे पेड़ के पास में धूप में खाना खाते हुए। सामने का पूरा व्यू तो अब हम लोग जा रहे हैं भाई थोड़ा पास वाले गांव के अंदर। पहले लोग गए थे, अब हम खुद जा रहे हैं पास वाले गांव में। पकड़ भाई, कहाँ जा रहे हैं बताओ? गांव में जा रहे हैं, गांव में। प्रिया को एक्चुअली ना गांव की कचौरी खाने का मन हो गया, इसलिए हम लोग थावला जा रहे हैं। यस, तो जैसा आपको बताया अभी जा रहे हैं बस हम लोग पास वाले गांव में कचौरी खाने, और सामने एक बहुत ही सही व्यू दिख रहा था इसलिए मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा। ये हमारे खेत का एंट्रेंस है जो कि हमें आते जाते खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। और जो व्यू की बात कर रहा था मैं वो है ये देखिए सामने एकदम मस्त गेंदे के फूल पूरे खेत में दूर तक। ये बहुत सही लगता है देखने में, बचपन से हम लोग देखते हैं किसी ना किसी गांव में, बचपन से किसी ना किसी के गांव में तो जाते ही थे। आज हम खुद अपने गांव में आते तो आके बहुत अच्छा लगता है, ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग कचौरी लेके तो आ गए हैं, दिस इज दी कचौरी। वहां पे काफी भीड़ भीड़ थी इसलिए दुकान पे क्या था आपको दिखाया नहीं। बाकी कुछ और सामान छोटा मोटा लेकर आए हैं, वो सब घर के कामों में यूज होगा, बस दैट्स इट। दिस इज द नेक्स्ट डे और आज हम लोग जा रहे हैं सामने वाले खेत में जा रहे हैं जहाँ पे हमने कुछ और पेड़ पौधे लगाए थे। अब उन पौधों का क्या स्टेटस है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो पौधे थे वो लगाने में कुछ मिस्टेक हुई है या फिर कुछ और प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाए और काफ़ी सारे पेड़ पौधे जो है वो मर गए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कितने चल रहे हैं, एक बार जाके उनकी हेल्थ देखेंगे कैसी है। Another farm. इस पूरे खेत के अंदर काफी सारे लगाए थे हमने, ऑलमोस्ट 200 के आसपास यहाँ पे, प्लस हमारे उधर वाले खेत के अंदर थोड़े बहुत और लगाए थे, सब मिला के 200 थे। अब यहाँ पे तो बहुत ही कम रह गए, हार्डली 50 कुछ रह गए हैं टोटल। तो वही देखने आया हूँ मैं कि उनका क्या स्टेटस है अब। तो ज़्यादातर पेड़ ऐसे ही दिख रहे हैं और उनके अंदर कुछ एक के अंदर ऐसे ये छोटी छोटी पत्तियाँ दिख रही है ये वाली, मतलब ये सर्वाइव कर सकते हैं, स्टिल देर आर सम चांसेस, बट दिस इज़ नॉट दी एक्चुअल ग्रोथ जो हम लोग सोच रहे थे। तो काफ़ी नुकसान हुआ है इस बार, जैसे ये एक और है, ऑलमोस्ट सारे ही पेड़ ऐसे ही हैं जो ऊपर से ऐसे हैं और नीचे से चल रहे हैं, नीचे से दे स्टार्टेड ग्रोइंग। तो उस वाले खेत पे जाके हम लोग आ चुके हैं और प्रोग्रेस अच्छी है, जितने पेड़ बचे हुए हैं ऑलमोस्ट 60-70 के आसपास हैं आई थिंक, वो जो पेड़ बचे हुए हैं वो सारे सही चल रहे हैं, ऑल गुड। वो अगले साल तक काफ़ी बड़े हो जाएंगे जैसे यहाँ पे हो गए इस खेत के अंदर, बट स्टिल इट विल टेक 2-3 साल तो लग ही जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं होने वाले हैं ये सब कुछ। बड़े बड़े पेड़ जो दिखते हैं आपको 6-7 feet, 8 feet के भी, वो भी होने में 2-3 साल ले लेते हैं, जैसा कि इस खेत के अंदर भी है। यहाँ पे हमारे जितने भी पेड़ दिख रहे हैं सामने, ये 2 साल के हो चुके हैं और ये 2-3 साल के हमने लगवाए थे शायद, तो अब ये इतने बड़े हो चुके हैं 2 साल के अंदर। तो होपफुली ऐसी ही कुछ प्रोग्रेस उधर वाले खेत में भी दिखेगी अगले साल। तो अभी बस निकलने लगे हैं खेत से, सारा सामान ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है घर में से, और अभी बस पैक करके आंटी से मिलेंगे हमारे पड़ोसी जो हैं और फिर निकलेंगे। तो अभी हम निकल चुके हैं खेत से और यहाँ पे रोड बन रही है और काफी हद तक
बहुत ही अच्छी बन चुकी है रोड। पहले यहाँ पे आते थे जब, पहले जब हम यहाँ पे खेत पे आते थे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था बिकॉज ऑफ रोड, क्योंकि जो रोड खराब होती है ना तो आपको थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ता है। मगर अब आप देख सकते हो कि जो रोड है ये बहुत ही स्मूथली हमारी गाड़ी लेके जा रही है हमें अजमेर की तरफ, क्योंकि ये रोड बहुत अच्छी हो चुकी है। तो आपको ड्राइव करते हुए कैसा लग रहा है? अब ड्राइव काफी स्मूथ हो गई है, पहले ऐसा रहता था कि ब्रेकिंग होती थी बहुत ज्यादा, अभी एकदम आराम से 70-80 भी जा पा रहे हैं। बीच बीच में गांव है तो वहीं पे स्लो करनी पड़ती है, अभी एकदम मजे से हम लोग जा रहे हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल। और ये रोड अभी इसलिए बन रहा है स्मूथ क्योंकि ये बनने वाला है स्टेट हाईवे, डिक्लेयर हो चुका है, तो अब गांव तक या खेत तक पहुंचना बहुत ईजी है हमारे लिए। थोड़े दिनों में इसके ऊपर डिवाइडर वगैरह भी बन जाएंगे होपफुली, अभी तो सिंगल रोड है, तो दैट इज द थिंग। और काफ़ी स्मूथ है ओवरऑल और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इस बार रोड्स की, तो ऐसे ही लग रहा है जैसे NH 8 अगर आप कभी गए हो या किसी भी हाईवे पे गए हो तो ये वैसा ही कुछ लगेगा आपको, उससे कम नहीं लगेगा, विच इज़ वेरी गुड। और एक और चीज़, दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि अगर आपने कभी सुना है कि राजस्थान में रोड्स की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रोड्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बिल्ड भी बहुत अच्छे रहते रोड के, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। यहाँ पे हमेशा से ही राजस्थान में रोड बहुत अच्छे रहे, लोगों को ऐसा लगता होगा राजस्थान डेजर्ट स्टेट है तो वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा, बट ऐसा भी नहीं है, राजस्थान इज़ ऑल्सो ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, तो अभी बहुत ही सही रोड्स वगैरह बन रहे हैं, डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। ओनली थिंग दैट आई फील लैकिंग हियर इज IT इंडस्ट्री नहीं है और थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है अभी, मतलब कॉर्पोरेट्स नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, अगर वो आ जाते तो हो सकता है राजस्थान के लोगों को ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अभी सब ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखो तो राजस्थान में तो कुछ भी नहीं है IT के नाम पे, और आसपास की काफ़ी स्टेट्स में नियरेस्ट IT यहाँ पे जो है वो है जयपुर में, विच इज़ इन राजस्थान लेकिन वो काफ़ी स्मॉल है। उसके बाद अगर आप देखोगे प्रॉपर कॉर्पोरेट्स तो वो है गुड़गांव में या दिल्ली NCR में। तो फाइनली अब घर पहुँच चुके हैं, होम स्वीट होम, दरवाज़ा खोलेंगे, सामान अंदर रखेंगे और फिर आज जेल मारेंगे।